हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम हमारे इस वीडियो में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने और पूजा करने के कुछ जो विशेष नियम है उसके बारे में पूज्य गुरु जी ने जो भी अपने कथा में बताया है उसको सुनकर ही आप सभी को यह पीपल के पेड़ के कुछ उपाय बताने वाले हैं। तो अगर इस नियमों का पालन करते हैं तभी आपको उसका फल मिलता है, बट अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसकी कृपा की जगह उसका नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। पीपल के पेड़ को काफी पवित्र माना गया है, साथ ही इसकी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस पेड़ में कई देवताओं का वास भी होता है। खासकर ये पेड़ भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति इस पेड़ में नियम पूर्वक जल चढ़ाता है और इसमें शनिवार के दिन दीपक जला देता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी होती है। यही अगर इस दिन कुछ उपाय भी किए जाते हैं तो शनि की जो भी हमें साढ़े साथी है उससे हमें जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। साथ ही घर में पैसों को लेकर जो भी समस्या चल रही है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है और कई कष्टों का भी निवारण होने लगता है। लेकिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने वाले व्यक्ति को कई नियमों के पालन का विशेष ध्यान देना होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में दीपक जलाने का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन दीपक जलाने का एक समय भी होता है। अगर आप उस शुभ समय में ये काम करते हैं तभी आपको पूजा का फल मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सा टाइम है। पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय आपको कुछ नियमों का भी पालन करना होगा। अगर आप नियमानुसार पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसे में सुबह सात बजे से लेकर 10 बजे तक का समय जो भी है वो शुभ माना जाता है। वहीं अगर आप शाम को पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो शाम को 5 से 7 बजे का समय शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं। पूज्य गुरु जी के मुताबिक रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन वृक्ष पर जल चढ़ाने से जीवन में दरिद्रता आती है और पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का भी वास होता है, इसीलिए इसे सभी पौधों से पवित्र माना जाता है। अगर आप पीपल के वृक्ष में नियम पूर्वक सही समय और शुभ दिन के अनुसार जल चढ़ाते हैं और दीपक लगाते हैं तो उसका आपको त्रिदेव की विशेष कृपा मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।